वो जो दूर घाटी देख रहे ना साहब, वहीं पर एक बस्ती हुआ करती थी। मेरा बाप चाय के बगानों में काम किया करता था। बहुत हंसमुख इंसान था साहब वो, बहुत इज्जत करते थे लोग उसकी। और इज्जत क्यों ना करते, यूनियन का लीडर जो था साहब, मेरे बाप से मुझे बहुत प्यार था साहब। वही मेरे घर के बगल में ना मोटा सा एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, और बरगद के पेड़ के ऊपर मोटी सी रस्सी का एक झूला। अब मेरा बाप मुझे झूले पे बैठा था और जोर जोर से धक्का देता झूला, साय साय साय। और जब झूला ऊपर से नीचे आता तो कितनी गुदगुदी लगती। बहुत खुश थे साहब हम लोग। और फिर एक दिन अचानक पुलिस आई और मेरे बाप को बाल से पकड़ते हुए घसीटते हुए सारे गांव वालों के सामने लेकर चली गई। और फिर कुछ दिन के बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। कितना बड़ा रहा हूँगा साहब, इतना इतना। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के चली गई और तुम लोग ऐसे ही देखते रह गए। किसी ने पता नहीं किया कि क्या हुआ उस लड़के का। मैं बताता हूं। और फिर हुई रात, और जब रात होती है ना साहब, तो ऐसा लगता है कि कोई जानवर है जो पंजों से दांतों से नोच रहा है, चीर रहा है, फाड़ रहा है। तभी मैंने देखा कि उसी पेड़ के नीचे जहां मेरा बाप मुझे झूला झुलाया करता था, वहीं पे एक कुत्ता है, अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा लगा के उसे चबा रहा है। चबा चबा। मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ते ने मुझे देखा। मैं कुत्ते के पीछे भागा, मैं कुत्ते के पीछे भागते गया भागते गया। मैंने उठा पत्थर दे मारा उस कुत्ते के मुंह पे। कुत्ता मर गया था, मर गया साहब कुत्ता। और कुत्ते के मुंह से जो रोटी का टुकड़ा गिरा, मैंने उस रोटी को खाया। क्या करता साहब, भूखा था। तभी उस दिन मैंने एक चीज सीखी कि देख रे मुन्ना, अगर जीना है तो मारना सीख, अगर जीना है ना मुन्ना तो छीनना सीख। थैंक यू सो मच।